फ्टरनून एवरी वन सो लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद दिस फुल फ्लेजेड प्रॉब्लम अप्रिल दो हजार तेरह वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सो so, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे राइट right? सो so, मैंने आपको uh, तीन वर्किंग नोट बनवाया था नोट नंबर वन में कॉस्ट ऑफ सेल्स आई एक्सप्लेन यू क्लोजिंग स्टॉक अ ट्रीटमेंट इन दैट कंज्यूम दिया मतलब स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड

ट्रीटिंग इन्वेंट्री एज एसेट आप इन्वेंट्री को एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हो राइट यूर ट्रीटिंग इन्वेंट्री एज एन एसेट यहां पर कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग हो रहा है तो जितना बिग जाता है वो कॉस्ट ऑफ सेल रेस्टिस स्टॉक तो इन दिस मेथड टू यू डोंट हैव टू कैल्कुलेट क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली एज यू कैन सी इन योर प्रॉब्लम दे हैव गिवन यू कंज्यूम्ड एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक बट इन later problems what you will find they will give you purchase and stock separately so you need to adjust that purchase first and then accordingly you can show stock right but in this case consumed and stock is shown separately anyway the discussion हमने कर लिया था अभी हमने बैलेंसस uh, सारा कंसीडर कर चुका है अब हमको नीचे एडजस्टमेंट्स वाला कंसीडर करना है तो एडजस्टमेंट्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है Uh, एक तो रिवैल्युएशन दिया हुआ है नीवैल्युएशन हो कब रहा है रिवैल्युएशन ये लोग बोला है फर्स्ट अप्रैल को होगा कैन यू सी रिवैल्युएशन कब हो रहा है फर्स्ट अप्रैल को तो अगर रिवैल्युएशन फर्स्ट अप्रैल को होगा डेप्रिशिएशन एंड ऑफ द ईयर होता है तो डेप्रिसिएशन पहले देने के बाद रिवैल्युएशन कि पहले रिवैल्युएशन करके देन देप्रीशन विल बी ऑन रिवैल्यूड फिगर गॉट माय पॉइंट so revaluation exercise was conducted on 1st april land was revalued at uh, land was how much mm, land was 8 lakh 40 thousand and here it is 10 lakh thousand right so no problem so this will be my note for revaluation लैंड लैंड का बुक वैल्यूज एट लैख फोर्टी ये सर नो मार्केट वैल्यू इज टेन लैख लैंड का बैलेंस कितना दिया 840 दिया हुआ है मार्केट वैल्यू टेन लाख सो दिस इज व्हाट रिवैल्युएशन प्रॉफिट दिया हुआ है ना उंड इन थाउजेंड है ना दिस इज पाउंड इन थाउजेंड नीचे वाला इन थाउजेंड नहीं है उसको थाउजेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा देन वी विल गो फॉर बिल्डिंग बिल्डिंग का बुक वैल्यू क्या है ना बुक वैल्यू इज द कॉस्ट लेस डेप्रीशिएशन फंड फॉर डेप्रीशिएशन राइट यस और नो यही तो मैंने सिखाया है ना कितना है फोर लैख फिफ्टी है राइट right? कितना है फिफ्टी में से फोर्टी फाइव थाउजेंड हटा देंगे राइट मार्केट वैल्यू वैल्यूज फाइव लैख थाउजेंड हमेशा रिवैल्यूएशन जब करोगे ना आज फर्स्ट अप्रैल का वैल्यू क्या है वैल्यू ऑफ फर्स्ट एप्रिल का वैल्यू क्या है वैल्यू आएगा लास्ट क्लासोड नेट मेथड ग्रॉस मेथड नेट मेथड में आपको एक ही बैलेंस देगा एसेट का बैलेंस उसमें डेप्रीसिएशन हर साल का सब होता है और ग्रॉस मेथड में क्या होता है डेप्रिशिएशन को अपन अक्यूमुलेट करते हैं टू शो फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट कि इतना का फंड हमने जनरेट कर लिया ऑलरेडी रिप्लेसमेंट के लिए नेट मेथड में भी जनरेट होता है बट उसको सेपरेटली अपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ग्रॉस मेथड में अपने सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे बट दैट डजेंट मेक श्योर की द फंड विल बी रेडिली अवेलेबल तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है बाहर दैट्स प्रॉपर सिंकिंग फंड राइट ओनली अप्रोप्रिएशन विल नॉट सर्व द पर्पस प्रॉफिट से क्या होता है अपन सेव करते हैं ना आप सैलरी इनकम से क्या करते हो म्यूचुअल फंड करते हो सेविंग्स करते हो मार्केट करते हो एफडी करते हो राइट फॉर व्हाट यू डू यू डू इट फॉर फ्यूचर आप आप अपने फ्यूचर के लिए करते हैं ना दिस इज व्हाट इट इज गॉट माय पॉइंट

यस और नो लगे हाथ अपने इस साल का डेप्रीसिएशन भी कर लेते हैं नाइन्टी फाइव थाउजेंड का रिवेल्यूएशन हुआ है तो ये दोनों ही ये कहा जाएगा दिस इज ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिस नॉट पार्ट ऑफ पीएल सो कितना 255 आ रहा है टू फिफ्टी फाइव आ रहा है ना वन सिक्सटी ठीक है ना तो हम लोग यहां दिखाएंगे अभी इधर में टू फिफ्टी फाइव नीचे रेफरेंस में नोट फोर Is इट फाइन अब हम लोग करेंगे डेप्रिशिएशन सबसे पहला नो डेप्रिशिएशन ऑन land land is not a depreciable asset Hayana. लैंड पे डेट नहीं होगा बिल्डिंग का बोला है टू परसेंट नाउ वॉट इज द बिल्डिंग न्यू वैल्यू इट वॉज फोर फिफ्टी लेस फोर्टी फाइव फोर लैख फाइव उसको मैंने पांच बना दिया फोर लैख फाइव को मैंने पांच बना दिया राइट तो वॉट इज द न्यू वैल्यू फाइव सो डेप्रिशिएशन विल बी फाइव लैख का टू परसेंट दट इज टेन थाउजेंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मतलब बट ऑफ एफ फैक्ट्री बिल्डिंग होगा बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मतलब क्या फैक्ट्री बिल्डिंग होगा ना डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टेन थाउजेंड Take care. Is it fine? Depreciation on delivery vehicle. Reducing balance means net balance. Right? सो कॉस्ट इज थ्री सेवेंटी फाइव माइनस टू फिफ्टी फाइव अभी तक का डेप्रीशिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब डेप्रीशिएशन बुक वैल्यू पे निकलेगा तो थ्री सेवेंटी फाइव का एसेट है टू फिफ्टी फाइव इज अभी तक का डेप्रिशिएशन सो बुक वैल्यू इज वन ट्वेंटी

डेप्रिशिएशन निकालने का दो तरीका होता है एक होता है कॉस्ट पे निकलती है कि तो नेट बैलेंस निकलती है कॉस्ट पे जो निकलती है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन सिंपल एसेट को एक लाख में खरीदा फाइव इयर्स तक इक्वल डेप्रीशिएशन तो रेट हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट वकर्सेंटी थाउजें ट्वेंटी थाउजें ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड रिड्यूसिंग बैलेंस का दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस पे जो नेट बैलेंस आता है उसका अपन परसेंटेज निकालते हैं राइट डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं बोला मशीनरी इज वन एटी सिक्स इसका ट्वेंटी परसेंट हाउ मच आएगा ना मैं दिखाऊंगा एक साथ दिखाऊंगा डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी वन लाख एटी सिक्स का ट्वेंटी परसेंट कितना Thirty seven two hundred. Okay. Done. So depreciation on machinery will come here, and depreciation on delivery vehicle will come here. कितना रहा है टोटल ये सेवन एटी टू दिस वन टू तो थर्टी वन अपने ऊपर जाएंगे सेवन सेवन एटी टू टू हंड्रेड लेस करके कितना आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव इज थर्टी सिक्स हंड्रेड दिस इज टू थर्टी वन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है सिक्स सिक्स नाइन टू हंड्रेड दिस इज डैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिक्स लेख थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड टैक्सेस के बारे में कुछ बोला है कुछ नहीं बोला जीरो सिक्स थर्टी एट हंड्रेड कितना 885 इस टोटल का कोई रेलिवेंस नहीं है मैं आपको बता रहा हूं यह टोटल जो मैंने निकाला ना ये जाएगा रिटेन डर्निंग में और ये जाएगा अदर रिजर्व में इक्विटी का इक्विटी का तीन पार्ट होता है एक होता है शेयर कैपिटल एक होता है अदर रिजर्व एक होता है रिटेन डर्निंग ये रिटर्न अर्निंग मतलब ये कमाया हुआ प्रॉफिट है अदर रिजर्व मतलब मेहनत से नहीं कमाया हुआ है अदर रिजर्व में शेयर प्रीमियम कई बार क्या होता है हमने शेयर इशू किया है प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम वी वी मेक एन आईपीओ एट अ प्रीमियम सो एक्सेस अमाउंट कलेक्टेड ऑन दैट आईपीओ गोज टू एव पार वैल्यू गोज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑलरेडी है हमारा पहले से पुराना प्लस हमने करेंट एयर में और रिवैल्यू किया है अच्छा, हम लोग सीखेंगे नेट प्रॉफिट का अर्निंग पर शेयर निकालना जो अर्निंग पर शेयर होती है ना वो इसी फिगर से निकलती है यूज्ड फॉर ईपीएस ईपीएस में नेट प्रॉफिट ही यूज होता है क्योंकि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कोई लेना देना नहीं है एट एट हाँ ठीक है मैं बोला ना ये टोटल आपका गलत भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों अलग अलग जाना है समझ रहे हैं मेरी बात सो so, अर्निंग पर शेयर होता है स्पीड ऑफ अर्निंग आपने प्रति शेयर कितना कमा के दिया द रेट एट विच आर अर्निंग पर शेयर हर एक शेयर होल्डर को कितना रुपया का अर्निंग्स मिलेगा दिस इज ईपीएस राइट डन अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट सबसे पहले आएंगे एसेट्स पाउंड नाउ एसेट्स में हमारा दो टाइप का एक होता है नॉन करेंट एसेट जो कि परमानेंट होते हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स राइट और एक है करेंट आशेट्स। करेंट आशेट्स होता है करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स कैसा एसेट होता है दैट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ट्वेल्व मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ बिजनेस आज आपने डेटर को तीन महीने की उधारी दी है तो तीन महीने में डेटर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा सपोज कर अगर मैं आपको बोलता फीस आप एक महीना बाद देना तो इसका मतलब क्या है एक महीने बाद मेरा डेटर आप लोग मेरे डेटर है डेटर वही हो ना जिससे पैसे मिलने हैं तो करेंट एसेट वो होता है या तो वो विद इन ट्वेल्व मंथस फ्रॉम द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट कैश में कन्वर्ट हो जाए या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कैश में कन्वर्ट हो जाए समझ रहे हो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है आज हमने इन्वेस्ट आज हमने स्टॉक खरीदा फिर उसे प्रोडक्शन करेंगे फिर वो बिकेगा फिर पैसे आएंगे एक दिन में थोड़ी होगा पानीपुरी का ठेला लगाया होता तो सेम डे हो जाता सुबह लगाता है शाम को पूरा पैसा वसूल आई एम नॉट अ चार्ट सेलर बहुत सारा रॉ मेटेरियल को प्रिजर्व करना पड़ता है फाइव टेन डेज प्रोडक्शन में टाइम लगता है उसके बाद धीरे धीरे काम होती है आपको चीज आ रही है समझ में? तो करेंट एसेट वो होता है जो 12 मंथ्स के अंदर बैलेंस शीट डेट का 12 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्ट हो जाए दो मिनट बाद ठीक है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉन करेंट एसेट इसमें हमारा एक तो लैंड आएगा एक हमारा बिल्डिंग आएगा एक हमारा मशीनरी आएगा आप लोग करिए मैं आ रहा हूं एक मिनट में सो so लैंड का तो नया वैल्यू आएगा ना लैंड का नया वैल्यू आएगा अच्छा बिल्डिंग का भी नया वैल्यू आएगा लेकिन लेस जब भी रिवैल्यूएशन होता है ना तो पुराना फंड जीरो बन जाता है जब कभी भी रिवैल्यूएशन करोगे पुराना फंड को जीरो कर देना क्योंकि रिवैल्यू होने के बाद वैल्यू पांच लाख बनी है तो इसमें फंड जीरो रहता है अब फंड कितना है फंड फॉर डेप्रिसिएशन खाली करेंट ईयर वाला दस हजार समझ में रहो मेरी बात रिवैल्यूएशन करने के बाद फंड हो जाता है जीरो राइट right? जब अपन रिवैल्यूएशन करते हैं ना तो उसके बाद फंड हो जाता है जीरो तो पांच लाख पे अभी करेंट ईयर का डेपेशन दस दिया तो वही फंड में आएगा मशीनरी की वैल्यू कितनी है 186. अब इसमें तुम लोग को फंड का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा लेस लेस फंड फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी फंड कितने का है एटी फोर थाउजेंड का फंड है इसमें इस साल वाला सैतीस दो सौ जुड़ जाएगा ईयर का फंड आए, का भी तो फंड में ऐड होगा ना बिल्डिंग वाले का तो रिवेल्यूएशन करने के बाद फंड जीरो हो गया मशीनरी तो हुई नहीं ना आज अगर बिल्डिंग भी अगर रिवैल्यू ना हुआ होता तो उसका फंड 45 में किस साल का डेप्रिश जुड़ता लेकिन वो तो हमारी रिवैल्यू हो चुकी है एटी so 84 plus थर्टी सेवन टू हंड्रेड हाउ मच वन टू कितना आ रहा है सिक्स तो ये हमारा आ गया नॉन करंट एसेट का टोटल ठीक है कितना रहा है टोटल ठीक है ठीक है आप चाहें तो आप नॉन करंट एसेट का अलग से एक नोट बना सकते हैं राइट आप चाहें तो आप नॉन करंट एसेट का अलग से एक नोट बना सकते हैं वहां से फिर आप दिखा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है करंट एसेट में एक तो हमारा इन्वेंट्री आएगा ओ सॉरी आई मिस्ड वन एसेट मेरे से एक एसेट छूट गया वेरी गुड डिलीवरी व्हीकल 375 है फंड फॉर डेप्रीशिएशन टू फिफ्टी फाइव का था प्लस थर्टी इस साल का जुड़ जाएगा डेप्रिसिएशन तुम कॉस्ट पे निकालो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकालो अल्टीमेटली वो फंड के साथ ऐड हो जाएगा आप कर लेते टोटल वन सिक्स ठीक है अब हम लोग करेंगे करंट एसेट करेंट एसेट में एक तो हमारा आएगा इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक थर्टी सिक्स थाउजेंड एक हमारा आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स एक छब्बीस और कुछ भी करंट एसेट नहीं है क्योंकि तो कैश नहीं दिया हुआ बैंक ओडी दिया हुआ है टोटल एसेट कर लो हाँ एटीन लैख सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड तो मेरा एसेट साइड हो गया तो लाइबिलिटी साइड भी यही आना चाहिए सबसे पहले है वी हैव इक्विटी इक्विटी में हमारा सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल कितना है टू लैख टेन थाउजेंड फिर आएगा हमारा अदर रिजर्व अदर रिजर्व में हमारा आएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑलरेडी हमारा था टू फोर्टी का है

डिविडेंड दिया ना उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा कितना आ रही है सेवन टोटल बताओ वन फोर्टी फोर हम्म नॉन करेंट लाइवलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर्स लोन वगैरह देखो लोन रिपेबल टू थाउजेंड एटीन अभी टू थाउजेंड थर्टीन चल रहा है ना 2018 में तो 12 महीने के बाद चुकाना है ना ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट डेट के 12 महीना बाद चुकेगी ठीक है लोन कितना तीन लाख current liability may we have bank od how much we have trade payables how much ठीक है ये तो मैंने कर दिया अभी होगा एग्जाम ठीक है बनाना सीख गए हम लोग तो अभी हम लोग 2018 में क्वेश्चन आया उसको करेंगे वो कराएंगे धीरे धीरे अप्रैल 2018 का क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना है मैं नहीं करके दे रहा हम्म hmm. ठीक है आप लोग ट्राई करिए सभी को ही चलिए आइए वो इसी चला देना है रिमोट का है? पीछे है पहले तो मेरे को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थर्टी एट जून दो हजार सत्रह ja , jäi häna . फोर्टी सेवन एट नाइनटी सिक्स कॉस्ट ऑफ सेल्स नोट वन में बनाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट Less administrative expenses, note two. Yeah. profit before tax less taxes well like income tax आ गया हमारा नेट प्रॉफिट अच्छा इस क्वेश्चन में ना रिवेल्यूएशन नहीं है तो मैं वो लिख नहीं रहा यहीं पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ इसको ठीक है Note one cost of sales, administrative expense. ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे दिया छब्बीस सौ कैश ऑड बैंक बैलेंस शीट में जाएगा ठीक है एसेट है ओडी नहीं है राइट डायरेक्टर सैलरी ठीक है डिविडेंड पेड रिटर्न अर्निंग से लेस होगा बैलेंस शीट में लोन इंटरेस्ट 123 बेंच को थोड़ा अंदर की तरफ घसका लो ठीक है लोन जाएगा मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी में मार्केटिंग कॉस्ट फोर फाइव सेवन ओपनिंग इन्वेंट्री ये जस्ट ट्राइक परचेज प्लांट का दो वैल्यू दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब फंड फॉर डेप्रिशिएशन और उसकी कॉस्ट बैलेंस शीट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस चार हज़ार आठ सौ प्रोडक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी का भी दो वैल्यू दिया हुआ है रिटर्निंग चला जाएगा बैलेंस शीट में रेवेन्यू मैंने पहले ही लिख दिया सेल सैलरी होगा टू फोर सिक्स थ्री शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर प्रीमियम अदर रिजर्व इक्विटी ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट वेजेस टू प्रोडक्शन स्टाफ हो गया गेम ओवर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 1950 तो ये मेथड वन है यहां पे स्टॉक इज काउंटेड एट देखो लिखा भी इन्वेंट्री वॉज काउंटेड एट सो दे आर फॉलोइंग कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग और दे आर फॉलोइंग फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम वेरी गुड ये नॉलेज सबके पास नहीं होता है पढ़ तो लोगे पास हो जाओगे लेकिन सीखा कितना है भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो टाइप का इन्वेंट्री सिस्टम होता है एक में रेडीमेड कॉस्ट ऑफ सेल्स और स्टॉक निकलता है और एक होता है फिजिकल इन्वेंट्री यहाँ पे एंड में कैलकुलेट करके परचेज को एडजस्ट करना पड़ता है अब मैं इसको एसेट दिखा पाऊंगा एडजस्ट कर दिया ना नाउ आई कैन शो इट एज एन एसेट प्रॉपर्टी को टू परसेंट ऑफ कॉस्ट डेप्रीशिएट करना है सो डेप्रिशिएशन ऑन प्रॉपर्टी नाइनटीन सिक्स हंड्रेड का टू परसेंट करो नाइनटीन सिक्स हंड्रेड है ना सॉरी प्रॉपर्टी का कॉस्ट गलत मिल गया मैंने नाइन थाउजेंड ओके कितना है प्लांट का है ट्वेंटी फाइव परसेंट रिड्यूसिंग यह भी इधर ही आएगा प्रॉपर्टी मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट वाला डेप्रिसिएशन भी इधर ही आएगा नाइन थाउजेंड का टू परसेंट कितना होगा वन एट्टी होगा क्या ठीक है प्लांट का उन्नीस छह सौ है उसमें से छब्बीस सौ हटा दिया इंटू पच्चीस परसेंट ठीक है डन प्रोविजन फॉर टैक्सेस दिया है छब्बीस सौ इसका दो ट्रीटमेंट क्या होगा एक तो अपना प्रॉफिट से लेस हो रहा है और इसका हम लोग को नेक्स्ट ईयर पेमेंट करना रहता है वॉट एवर अर्निंग्स आई एम हैविंग दिस ईयर आई विल पे टैक्स इन नेक्स्ट ईयर तो इसलिए इट्स अ करेंट लाइबिलिटी विद इन ट्वेल्व मंथ्स ऑन द बैलेंस शीट डेट आई हेव टू पे क्या दियाट टैक्स मतलब प्रोविजन कंपनी का टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं जो टैक्स कंपनी पे लगाया जाता है उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स और जो टैक्स हम लोगों पर लगाया जाता है उसको बोलते हैं पर्सनल टैक्स छब्बीस सौ यहां आएगा और इसका सेकेंड ट्रीटमेंट है करेंट लाइबिलिटी है ना मैंने, मैंने बोला था ना एडजस्टमेंट में जो दिया उसका दो इफेक्ट आएगा तो स्टॉक का दो एडजस्टमेंट क्या हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट टू और बैलेंस एसेट में आएगा डेप्रिशिएशन पहले एक्सपेंस दिखाया मैंने रेस्पेक्टिव जगह में एंड देन वो एक साथ एड होगा ठीक है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट से लेस हो गया करंट लेबिटी में आएगा अब टोटल कर लो टू थ्री हाँ सिक्स सिक्स थ्री ट जीरो नाइन टू जीरो ठीक है चलो बोलो भैया टू थ्री हाँ सिक्स थ्री एट जीरो और ये वाला हाँ और ग्रॉस प्रॉफिट बताओ Two four. Uh, operating profit. Ha uh -huh. One. Yeah. one, three, three, one, three. Three three one three. बुक देने में इसका बैलेंस शीट होमवर्क रहेगा ठीक है इसका बैलेंस शीट होमवर्क में करना और सेप्टेंबर 2018 का क्वेश्चन करके आना और सेप्टेंबर 20 सेप्टेंबर 18 एंड सेप्टेंबर 20 अप्रैल 18 का बैलेंस शीट सेप्टेंबर 18 सेप्टेंबर 20 फुल फुल ठीक है चलिए थैंक यू सो मच